गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने ताल कहरवा, ताल दादरा का परिचय सीखा था और इस वीडियो में हम तीन ताल का परिचय सीखेंगे। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं और कौन सी गायन शैली में तीन ताल का अधिक प्रयोग होता है और किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है, आइए चलते हैं तीन ताल की ओर। तीन ताल का परिचय करने से पहले हम कुछ उसके जो मुख्य जो अंग है उसके ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि तीन ताल में सबसे पहले मात्रा के बाद विभाग बनाए रहते हैं, विभाग के बाद सम आता है, सम के बाद खाली आता है, उसके बाद ताली आता है, उसके बाद आवर्ती होती है और एक शब्द इसमें प्रयोग होता है। तीन ताल का परिचय करने से पहले हम सभी को एक बार समझेंगे कि ये उनकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार से ताल में प्रयोग। सबसे पहले आती है मात्रा। मात्रा जो है ताल में लय स्पीड, पिछले वीडियो में हमने लय के विषय में पढ़ा था, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। समय, समय की जो सामान्य चाल गति को लय, तीन प्रकार के लय होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। इनमें से किसी एक लय का हम प्रयोग करेंगे, उस लय के अनुसार उस लय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जितने छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए हैं इनको मात्रा कहा जाता है और हम इनको संख्याओं के अनुसार पहचानते हैं, इनको संख्या तरह से नाम दिया जाता है। संगीत में जो संख्याएं होती है, ताल में जो संख्या प्रयोग होती है, मात्रा होती है, लय को बराबर बराबर भाग में बांटना, टुकड़ों में बांटना मात्रा होगी। मात्रा जो होती है उस मात्रा के अनुसार हमारे पास जैसे कि आठ मात्राओं की कोई ताल है, समय पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा, इस प्रकार से आठ मात्रा है। पहली मात्रा में जितना समय रखा गया है, मान लो 5 सेकंड हमने यहाँ पर रखा है, उसके अनुसार अगली मात्रा में भी उतना ही समय रहेगा, उससे अगली मात्रा में भी, सभी में बराबर बराबर समय रहेगा। समय के अनुसार समय जो है उस समय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना विभाग है। जैसे कि ताल कहरवा है, आठ मात्रा है इसमें और ताल कहरवा आठ मात्रा और हमने इसके दो विभाग बनाए, दो इसके खंड हो, दो हमने इसके टुकड़े बनाए। अब अगला पॉइंट आता है सम। ताल जहाँ से शुरू होती है, ताल को हम जहाँ से बजाना शुरू करते हैं उस मात्रा को ताल में सम कहा जाता है और जितने भी संगीत में ताले हैं सभी ताल प्रथम मात्रा से शुरू होती है। तो पहले जो मात्रा है वो सम कहलाएगी और उसके लिए चिन्ह बनाया गया है क्रॉस का। इस मात्रा पर ताल में जितने भी मात्राएं हैं उनकी अपेक्षा अधिक जोर दिया जाता है, उसको उत्पन्न करने के लिए आवाज़ को तेज गति से उत्पन्न किया जाता है, उसमें आंदोलन जो संख्या होती है तेज होती है, इसको संगीत में भरी भी कहते हैं। खान, खान से पहले हम ताली को सीखेंगे, ताली क्या है। सम जो है इसको भरी कहते हैं, इसको ताली भी कहा जाता है और ये ताल की प्रथम ताली कहलाएगी। इसके अलावा इसके अतिरिक्त ताल में यदि दूसरी ताली आती है, दूसरा सम आता है, वो मात्रा ताल में ताली कहलाती है। ताली सम के बाद आती है, अगले विभाग में आती है,
पहले विभाग में सम होता है, इसके अतिरिक्त जितने ताल में और विभाग बनेंगे उन विभागों की जो भी पहली मात्रा प्रथम मात्रा रहेगी वो ताली कहेंगे, उसको ताली कहेंगे। सम से उस ताली पर कम जोर दिया जाएगा। अब आता है खंड। ताल में एक विभाग ऐसा रहेगा जहाँ पर बहुत ही कम जोर दिया जाता है, एक तरह से जब हम उस ताल को हाथ पर बजाते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर दो बार ताली आई। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर खाली होती है तो उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, देखिए ये हो गया सम 2 3 4 5। जैसे ही हम हाथ को साइड में रखेंगे तो वो मात्रा खाली गलाएगी, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही कम ध्वनि उत्पन्न होगी। एक आवाज ये है और एक आवाज ये है और एक आवाज ये, यहाँ पर घर्षण हो रहा है तो ये आवाज इन दोनों की अपेक्षा बहुत ही धीमी है, मंदी है, इसलिए इसको ताल में खाली कहा जाता है। और खाली को पहचान करने के लिए पंडित विष्णु नारायण भातखंड जी ने हमें जो चिन्ह दिया वो शून्य का जीरो का चिन्ह, हम इसको इस चिन्ह के माध्यम से पहचान सकते हैं। आवर्ति ताल के जो बोल होते हैं, ताल में जो मात्राएं ली गई है इन मात्राओं का, मात्राओं को मात्रा तो ताल में बजे के लिए, मात्राओं को बजाने के लिए नाम का रखा गया, नाम इनको दिया गया। जैसे कि हम गैरवा ताल की बात करें, धा गे ना ती ना के घे ना, ये ताल के बोल। ये मात्रा जो है उनका पहली जैसे मात्रा है उसका नाम है धा, दूसरी मात्रा है उसका नाम है घे, तीसरी मात्रा है उसका नाम है ना, चौथी मात्रा है उसका नाम है ती। इस प्रकार से इन आठों मात्राओं का नाम रखा गया। और ये जो बोल है, ये सभी जो नाम है ये बोल कहलाएंगे। जब ये बोल किसी इंस्ट्रूमेंट पर किसी वाद्य पर बजाए जाएंगे, तबले पर बजाए जाएंगे या फिर मृदंग ढोलक पर पखावज पर बजाए जाएंगे तो वो ठेका कहलाएगा, उसको हम ठेका कहेंगे। जब हम पहली मात्रा से आठवीं मात्रा तक इन सभी बोल को एक बार बजाएंगे, एक बार इनका उच्चारण करेंगे तो वो एक आवर्ती कहलाएगा, सम से सम तक। जब हम इनको एक बार दोहराएंगे तो एक आवृत्ति होगी, दो बार दोहराएंगे तो दो आवृत्ति होगी, जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार ये आवृत्ति कहलाएगी। आवृत्ति को आवर्तन भी कहा जाता है और कुछ संगीतकार इसको आवर्तक भी कहते हैं। इस प्रकार से आवृत्ति आवर्तन होता है, ताल के बोल जो होते हैं उनको एक बार इंस्ट्रूमेंट पर बजाना आवर्तन है। इस सभी जो भाग है ये ताल में प्रयोग होते हैं, ताल के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। मात्रा होती है, विभाग होता है, सम ताली खाली भरी आवर्तन के का और वो, इस प्रकार से ताल में ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। और आइए हम चलते हैं तीन ताल की। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है, किस प्रकार से विभाग बनाए जाते हैं। ताल तीन मात्रा, तीन ताल में 16 मात्राएं मानी गई है, संगीत के जो विद्वान लोग थे उनके अनुसार 16 मात्रा इसमें रखी गई। विभाग 16 मात्राओं को बराबर बराबर भाग में बांटा गया, इसके टुकड़े किए गए, इसके खंड बनाए गए जो कि विभाग कहलाते हैं। और इस ताल में चार विभाग बनाए गए, प्रत्येक विभाग में चार चार मात्राएं रखी गई, हम इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद सम, देखिए मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, उसके टेबल के अनुसार आप अच्छे से समझ पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चार मात्राओं का प्रथम विभाग, चार मात्राओं का दूसरा विभाग और चार मात्राओं का तीसरा विभाग, इस प्रकार से इसकी टेबल बनेगी। सम, अभी मैंने आपको बताया था कि ताल की जो प्रथम मात्रा होती है, पहली जो मात्रा होती है वो सम कहलाती है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे पहली मात्रा पर, उसके बाद खाली, एक ताल में नौवीं मात्रा खाली मानी गई है, यहाँ पर जीरो शून्य का चिन्ह रहेगा, नौवीं मात्रा पर इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब आता है तान,
तीन ताल में चार विभाग हैं, और प्रथम विभाग सम का हो गया, और तीसरा जो विभाग है वो खाने का हो गया। अब हमारे पास दो विभाग बच गए, दूसरा विभाग और चौथा विभाग। अब इन दूसरे और चौथे विभाग में जो भी प्रथम मात्रा है वो ताल में ताली कहलाएगी। ये ताली होगी दूसरी और ये ताली होगी तीसरी। इन ताली को दर्शाने के लिए, इस ताली को पहचान करने के लिए चिन्ह बनाए गए। जैसे कि ये सम का चिन्ह है, इसका मतलब है कि प्रथम ताली, पहली ताली, संख्या 1 यहाँ पर हम नहीं दर्शा सकते क्योंकि यहाँ के लिए चिन्ह अलग बनाए गए। अब यहाँ पर 1 नहीं दर्शाया जाएगा, 1 के बाद अगले जो भी काउंट के आएगा, अगली जो संख्या रहेगी उनमें से हम संख्याओं का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि ये हमारी दूसरी ताली है और हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और ये हमारी तीसरी ताली है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ताल में ताले रहेंगे। कौन सी मात्रा हो गई? ये पांचवी मात्रा ताल की, और ये 13वीं मात्रा। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 व 13वीं मात्रा पर ताल। इस प्रकार से हम तार का परिचय तैयार करेंगे। ये सभी हमने शॉर्ट में लिखा है, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से विस्तार से समझाने के लिए हम इसका एक पैराग्राफ करते हैं। पैराग्राफ में सभी बातों को विस्तार पूर्वक से समझाते हुए लिखेंगे। तीन ताल 16 मात्राओं का ताल चक्र है। इस ताल में चार चार मात्राओं के चार विभाग बनाए जाते हैं। तीन ताल के पहली मात्रा सम व 9वीं मात्रा को खाने माना जाता है। तीन ताल में 5वीं और 13वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली आती है। तीन ताल एक लोकप्रिय ताल है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत की जो भी गायन शैलियां है, छोटा ख्याल है, बड़ा ख्याल है, गत है, उनके अंदर इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल, गीत, गजल, भजन, शब्द आदि। इस प्रकार से बहुत सारी गायन शैली होती है, और उस उन सभी गायन शैलियों में तीन ताल का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। इस ताल के साथ ये गायन शैली गायब हो जाती है। तीन ताल के बोल बंद होते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बंद बोल के जितने ताले हैं वो सभी ताले तबले पर बजाए जाते हैं। जो तार तबले पर बजाए जाते हैं उनके साथ विशेष रूप से अधिकतर भाव संगीत और शास्त्र संगीत की जितनी भी गायन शैली है वो गाय बजाई जाती है। और तीन ताल में सबसे अधिक मात्राएं होती है। 16 मात्राओं की हमारे पास सबसे अधिक मात्राओं की ताल है, इसलिए इस ताल को बादशाह ताल भी कहते हैं। बादशाह ताल के नाम से भी इस ताल को जाना जाता है। संगीत में तीन ताल के समान मात्राओं की एक ताल और है जिसे तिलवाड़ा ताल कहा जाता है। तिलवाड़ा ताल में भी 16 मात्राएं होती है, चार चार मात्राओं के विभाग होते हैं। मतलब कि विभाग समान होता है, चिन्ह समान होते हैं, मात्रा समान होती है, लेकिन तीन ताल के और तिलवाड़ा ताल के जो बोल है, इन दोनों के जो बोल है उनके बोल में अंतर होता है। बोल अलग अलग होते हैं, बाकी मात्रा बराबर होती है, विभाग हम बराबर बनाते हैं, चिन्ह भी बराबर होते हैं, सेम होते हैं, जैसे होते हैं। तिलवाड़ा ताल की अपेक्षा तीन ताल का प्रयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि तीन ताल के अंदर जो भी बोल है उन सभी में बराबर बराबर समय लगता है। जैसे कि हमारे पास हम बोल यहाँ पर लिखे हैं, वह धा धिन धिन धा, सेम बोल अगले विभाग में रहेंगे, धा धिन धिन धा। तीसरे भाग में धा तिन तिन ता, और लास्ट भाग में ता भिन भिन धा। इस प्रकार से इसमें बोल होते हैं, ये तीन ताल के बोल हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तिलवाड़ा ताल के जो बोल होते हैं यहाँ पर हमारे पास धा तिन तिन धा त्रिकेट धिन धिन, ये एक विभाग।
उसके बाद धा धा तीन तीन ता त्रिकेट दिन दिन धा धा दिन दिन, इस प्रकार से तिलवड़ा ताल में बोल होते हैं। तिलवड़ा ताल की अपेक्षा तीन ताल का प्रयोग इसलिए अधिक किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो चाल है वो बदलती नहीं है, स्पीड बदलती नहीं है। हमने लय से यहाँ पर कोई भी विलंबित लय, सामान्य लय, द्रुत लय, किसी भी एक लय का चुनाव किया है तो वो लय हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तिलवड़ा ताल में क्या होता है कि धा त्रिकेट, अब क्रिकेट में एक दो तीन चार चार और यहाँ पर ताल हमने जो भी लय लिए है, मान लो कि हमने सामान्य लय लिए, तो सामान्य लय में ये चार बोल नहीं बोले जाएंगे। यहाँ पर पाँच सेकंड लग रहा है तो पाँच सेकंड हम चार बोल कैसे बोलेंगे, चार बोल को बोलेंगे हमें बीस सेकंड का समय चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड तेज की जाएगी। मतलब क्रिकेट बोलने के लिए हम द्रुत लय का प्रयोग करें और धा बोलने के लिए हम सामान्य लय का प्रयोग करें। यहाँ पर अलग अलग चार प्रयोग होते हैं इसलिए तिलवड़ा ताल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कम किया जाता है तीन ताल की अपेक्षा। इस प्रकार से हम तीन ताल का परिचय बनाएंगे, पहले शॉर्ट परिचय लिखेंगे, उसके बाद इसका पैराग्राफ तैयार करेंगे, पैराग्राफ तैयार करने के बाद हम इसके बोल लिखेंगे। शास्त्रीय संगीत में ताल जितनी भी ताले हैं सभी ताल में एक गुण, दो गुण, तीन गुण, चार गुण, पांच गुण, ताल संगीत में आठ गुण तक गाई बजाई जाती है। तो हम यहाँ पर ताल के एक गुण और दो गुण सीखेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, इस प्रकार से सबसे पहले हम मात्रा लिखेंगे और इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। विभाग चार चार मात्राओं के बनाएंगे, चार चार मात्राओं के विभाग बनाने के बाद ऊपर हम ताल का नाम लिखेंगे, ताल तीन ताल। यहाँ पर हम ताल का कौन सा प्रकार लिख रहे हैं, एक गुण लिख रहे हैं तो एक गुण लिखेंगे, द्विगुण लिख रहे हैं तो द्विगुण लिखेंगे। अब संख्या जो ताल में प्रयोग होती है उसको हम संगीत में मात्रा कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मात्रा। और उसके बाद ताल में चिन्ह लगाएंगे, कौन कौन सा चिन्ह किस मात्रा पर होता है, उसके बाद फिर हम उसके बोल देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम जो मात्रा है वो सम रहेगी, उसको दर्शाने के लिए क्रॉस का चिन्ह बनाया गया है। यहाँ पर ये पांचवी मात्रा है, दूसरे विभाग की पहली मात्रा, यहाँ पर दूसरा सम दूसरी ताली रहेगी, नौवीं मात्रा इस ताल में खाली होती है इसलिए हम शून्य का प्रयोग करेंगे, और ये लास्ट विभाग में तेरहवीं जो मात्रा है इस ताल की तीसरी ताली है, यहाँ पर तीसरा सम। इसके बाद लिखेंगे बोल। बोल लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से था कि जो मात्रा है उस मात्रा के नीचे हम वो बोल लिखेंगे। कई बार क्या होता है बहुत सारे विद्यार्थी इस पूरे विभाग में चार बोल लिखने होते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं धा दिन दिन धा, चार लिखने होते हैं चार लिख दिए। अब ये जो बोल है लिखने का तरीका गलत है। अब ये जो बोल है ये तो तीसरी मात्रा के नीचे लिखा गया है, ये दूसरे के नीचे नहीं है, और ये ना तो दूसरी का है ना प्रथम का है, इस प्रकार से ये तरीका गलत है। इस प्रकार से हमें नहीं लिखना है, हम ताल के जब बोल लिखेंगे तो इसमें थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, मात्रा जो लिखी गई है उस मात्रा के नीचे ही बोल लिखा जाए। जैसे कि पहली मात्रा इसका बोल है था, दूसरी मात्रा जिसके नीचे हम लिखेंगे भिन, फिर भिन और फिर धा, इस प्रकार से मात्राओं के नीचे एक एक बोल लिखना है, धा धिन धिन धा। ये सेम वर्ड अगले विभाग में रहेंगे, धा धिन धिन धा। तीसरा जो विभाग है उसमें फिर धा आएगा और यहाँ से बोल बदल जाएंगे, अब तिन तिन ता ये रहेंगे, इसके बाद ता और ता के बाद फिर हम वापस प्रथम वाले विभाग के बोल रहे को लेके आएंगे, धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। इस प्रकार से हम एक मात्राओं के अनुसार एक बोल लिखेंगे तो वो ताल का एक गुण है। इन सभी बोल को एक बार गाना एक बार बजाना इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक आवर्तन कहेंगे, उसको हम एक आवर्तन कहेंगे। दूसरा इसका जो हम जो दुगुण का टेबल बनाएंगे उसमें वैसे ही सेम आपको टेबल बनानी है, वैसे ही संख्या लिखनी है, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, वैसे चार विभाग बनाने हैं, वैसे चिन्ह लगाने हैं, वैसे तार का नाम लिखना है। अब यहाँ पर हम काम बदल रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक गुण था और हम यहाँ पर दुगुण बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
दू। यहाँ पर ये कोई काम सेम रहेगा, मात्रा चिन्ह और वो। यहाँ पर हमने एक मात्रा के अनुसार एक वो लिखा, मात्रा समय है, इस समय को हमने टुकड़ों में बांट रखा है। यहाँ पर भी सेम समय रहेगा और यहाँ पर काम वो जो है हम बजाएंगे, उत्पन्न करना होता है, तबले पर बजाना होता है इसको। यहाँ पर हमें एक बोल का उच्चारण करना है तो एक ही। अब हम यहाँ पर टुकड़ करें तो यहाँ पर दो बोल लिखे जाएंगे एक साथ, पहला और दूसरा बोल धिन। अब ये दोनों बोल अलग अलग, ये प्रथम मात्रा है ये दूसरी मात्रा है, इन दोनों को आपस में जोड़ना नहीं है, इसको इस प्रकार नहीं लिखेंगे धा धिन, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ये तरीका गलत है। हम इन दोनों को अलग अलग रखेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम नीचे अर्धचंद्राकार चिन्ह प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब इस चिन्ह के अंदर जितने भी बोल है वो उस ताल का गुण कराएगा, दो बोल है तो दो गुण कराएगा, तीन बोल है तो तीन गुण कराएगा, चार गुण है तो चार बोल है तो चार गुण कराएगा। तो दुगुण बनाने के लिए आप देखिए कैसे बना रहे हैं, पहले और दूसरे हमने दोनों बोल ले लिए, अब इसके बाद अगले दो बोल लेंगे दिन धा, उसके बाद अगले दो बोल धा दिन, फिर उसके बाद अगले दो बोल दिन धा, फिर उसके बाद अगले दो बोल धा तिन, फिर अगले दो बोल तिन ता, उसके बाद ता धिन और धिन धा। जो काम हम 16 मात्रा के समय में कर रहे थे उसी काम को हमने स्पीड को तेज करने के बाद 8 मात्राओं के समय में ही पूरा कर दिया। अब हमारे पास 8 मात्रा अभी शेष बच रही है, तो हम वापस पहले विभाग के जो बोल है वो तीसरे विभाग में लिखेंगे और दूसरे विभाग के जो बोल है वो लास्ट विभाग में लिखे जाएंगे, मतलब हम उन्हीं बोल को रिपीट करेंगे, आगे वही बोल लिखे जाएंगे। इस प्रकार से ताल के दुगुण बनाएंगे और यदि इसी ताल के तीन गुण बनानी पड़े बनानी हो तो हम तीन बोल को अर्धचंद्राकार चिन्ह के अंदर रखते हुए ऐसे टुकड़े में बनाते हुए आगे चले जाएंगे। इस प्रकार से तीन गुण बनाएंगे और चार गुण बनानी है तो चार चार बोल की हम एक एक मात्रा बनाएंगे और 16 बार उनको लिखना है तो चार गुण। इस प्रकार से हम तार का एक गुण दुगुण तीन गुण चार गुण आसानी से बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से तीन तार को अच्छे प्रकार से सीखेंगे। मैं आपके पास इसका जो परिचय है वो नोट्स के माध्यम से भेज दूंगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इस तार को समझेंगे और सभी विद्यार्थी इस तार को अपने साथ फिर नोटबुक में भी लिखने की तो जरूरी समझे और इस वीडियो के माध्यम से आप इस तार को सीखें। धन्यवाद।